हमारा नाम मिराज है, हम यूपी उत्तर प्रदेश से भदोही ज़िला से आए हैं। ये हमारा भोपाल हाट मध्य प्रदेश। हम कारपेट बेचते हैं, दरी बेचते हैं और पूरे कारपेट का वैरायटी लेकर आते हैं। जैसे हमारे पास ऊलन का है, सिल्क का है, एक रैली कूल है और ऑस्ट्रेलियन मैरून ऊन का बनता है और सब हैंडीक्राफ्ट, ये हैंडलूम का और हैंडमेड रहता है। लगभग 10 साल हो गया होगा। दरी वगैरह का तो 200 रुपये से स्टार्टिंग रहता है और कारपेट का 1000 रुपये से, और लास्ट इसमें आपको 30,000 रुपये तक का कारपेट मिल जाएगा। ऑल इंडिया बेचते हैं और हमारे जैसे वहाँ से ये बाहर भी जाता है, विदेशों में भी एक्सपोर्ट होता है। विदेशों में जैसे कनाडा जाता है, स्विट्ज़रलैंड चला जाता है, स्काईलैंड चला जाता है, जैसे ठंडी जगह जब जाता जाता है। भेजने का प्रोसेस क्या रहता है, जैसे अब वहाँ से बायर आता है, देखता है कारपेट का क्वालिटी वगैरह, देखता है क्या क्वालिफिकेशन है, तो फिर वो ऑर्डर से बनता है। फिर उनके जितने भी ऑर्डर निकलते हैं वो फिर जाते हैं, और जो वो ऑर्डर का पीस होता है, जो उसमें से लॉसेस होते हैं, वो हम लोग यहाँ कम दामों में बेच देते हैं। आपको 10 साल हो गए जी? 10 साल हो गए। क्या कैसे रॉ मटेरियल लगता है उसका बताइए। इसमें मटेरियल क्या, कॉटन का धागा लगता है और सिल्क में धागा लगता है, ये सब क्या हमारे उधर बनारस से हमको धागा लाना पड़ता है बनाने के लिए, जिससे वो साड़ी बनती है वो धागा भी इसमें मिक्स करना पड़ता है, इसमें शाइनिंग बढ़ाने के लिए बहुत तरीके का प्रोसेस रहता है। इसको बनाओ, धुलो, बैंडिंग करो, फिर ये बिकने आता है। नहीं, जैसे नॉटेड रहता है तो वो ऐसे ही रहता है, और जो हैंड टफ्टेड होता है उसके नीचे कपड़ा अस्तर लगाया जाता है ताकि वो आपका सेफ्टी रहे, फर्श पे स्लिप ना करे। चित्रकारी भी होता है ना? हाँ, वो एक हमारे जैसे आप मधुबनी का आप चित्र देखते हैं ना, तो ऐसा ही नक्शा बन के फिर हमको मिलता है, तो फिर हम उसी का डिज़ाइन निकाल के देते हैं लोगों को। जैसा अब आप ऑर्डर देगा, कोई कस्टमर ऑर्डर देता है तो जिस डिज़ाइन का वो ऑर्डर देगा वो हम डिज़ाइन बना के देते हैं। हाँ, हर जगह से आते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, सब जगह। अब जैसे गवर्नमेंट का प्रोग्राम जो रहता है उसमें जाते हैं तो इनकम हो जाता है, ठीक ठाक हो जाता है, और जो प्राइवेट लगाते हैं उसमें दुकानें का बहुत चार्ज हो जाता है, तो उसमें ज़्यादा नहीं होता। उसमें क्या, अपना माल खाली हो जाता है कि चलो माल खाली हो गया, अपना आ गया कुछ पैसे। बाकी सरकारी प्रोग्राम में तो हो जाता है इनकम। सालाना बात करें तो अगर ऑल ओवर आपका इनकम, सालाना प्रोग्राम रहता नहीं है ना, ये 4 महीने सर्दियों का रहता है, उसके बाद फिर अपना क्या गांव में बनाते हैं अपने घर पे, सर्दियों सर्दियों का सेल रहता है, तो सालाना मिला जुला के अगर 4 महीने का देखेंगे तो हाँ 3-3.5 लाख रुपये का हो जाता है। कितने लोग आप साथ काम कर रहे हैं? हम लोग 4 लोग आते हैं, बड़ा काम रहता है तो 4 लोग आते हैं। अब जैसे ये सरकारी प्रोग्राम है तो उसमें 2-3 लोग भी एडजस्ट हो जाता है, ज़्यादा पब्लिक नहीं आती, और प्राइवेट रहता है उसमें बहुत भीड़ आती है, तो उसमें सब लोगों को देखना पड़ता है, कभी कभी चोरियां हो जाती हैं प्राइवेट वगैरह में।